हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज कौन दोस्तों, जो जो आपने सवाल वगैरह किए थे उन सब का आंसर वगैरह लेकर आ चुका हूँ। तो आप सबका फेवरेट क्वेश्चन आंसर सेशन आ चुका है, जो बेसिकली मेरा फेवरेट है। तो आज दोस्तों क्वेश्चन आंसर सेशन का 20वां एपिसोड है। उम्मीद करते हैं 100 एपिसोड होंगे, क्योंकि 1000 एपिसोड जब भी होंगे, 100 कम से कम एपिसोड होंगे, तब तक आप बने रहेंगे। कमेंट करके बताना जब 100 एपिसोड होंगे तब तक कौन कौन हमारे साथ बने रहेंगे, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। आज की जो वीडियो होने वाले काफी इंटरेस्टिंग और काफी यूजफुल होने वाले, तो फटाफट वीडियो को लाइक वगैरह नहीं किया तो अभी तक लाइक वगैरह कर दीजिए। और प्लीज दोस्तों, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, उसके बगल बेल आइकन को उसे इनेबल कर देना। अब बात करो दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन आंसर की बात करने से पहले दोस्तों मैं बात करूँ कैसे फाई की, क्योंकि आप लोग रिसेंटली एक हफ्ते पहले मैंने कैसे फाई की फोन परचेज किया था, उसका रिव्यू वगैरह किया था। तो उस वीडियो में आपने अगर फुल वीडियो वॉच किया तो मैंने बताया था फोन यही है, कवर वगैरह लगा है, फोन इसलिए यही है। तो मैंने ये बताया था कि इसका जो डिस्प्ले है, मैंने गुड वाले में परचेज वगैरह किया था, तो डिस्प्ले मुझे लगा था लोकल है। तो ये दोस्तों 100% लोकल डिस्प्ले, क्योंकि मेरे पास यूज कर रहा हूँ इसलिए एक हफ्ते के आसपास से, 10 दिन 15 दिन हो गए लगभग, कहीं बाहर नहीं जा रहा, कहीं डैमेज नहीं हो, कहीं गिरा नहीं है। लेकिन यहाँ पे दो बार डिस्प्ले क्रैक हो चुका है। यूज करते करते, नॉर्मल यूज करते करते, कहीं भी थोड़ा बहुत रखा हुआ था वहीं पे डिस्प्ले क्रैक हो गया हल्का बहुत प्रेस होने पे। तो दोस्तों ओरिजिनल डिस्प्ले होता वो कभी भी ऐसे क्रैक वगैरह नहीं होता। तो मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप कैसे फाई से कोई भी जाके फ़ोन वगैरह परचेज करें। तो प्लीज़ दोस्तों परचेज करना तो नए फ़ोन परचेज कीजिए, या तो आसपास के से फ़ोन परचेज कीजिए, कैसे फाई से बिल्कुल ही फोन मत परचेज कीजिए। यहाँ पे लोग गुड के नाम पे दोस्तों लोकल लोकल वाले चिपका रहे, बाहर मार्केट से डिस्प्ले लगा देते हैं टूटे फ़ोन पे। तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। सबसे पहले कमेंट वगैरह की बात करूँ तो सबसे पहले कमेंट है @ यूजर नाम करके इनका कमेंट वगैरह, आई एम न्यू सब्सक्राइबर, उसके इन्होंने आज ही अपने चैनल को सब्सक्राइब किया, आपके भाई को चैनल को सब्सक्राइब वगैरह किया, तो उन्होंने कमेंट करके बताया। तो ये चीज़ दोस्तों अच्छी होती है अगर आप कर सकते हैं, तो जब भी सब्सक्राइब वगैरह करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट करके बताइए। इससे क्या होता है, हमें और प्रोत्साहन मिलती है और एनर्जी मिलती है, और वीडियो ज़्यादा एनर्जी से बना पाते हैं और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें कर पाते हैं। अब अगला कमेंट की बात करूँ तो अगला कमेंट है दोस्तों @lokmannaki5000 है, @ वाला इसलिए ज़्यादा आ रहे हैं। तो इनका कमेंट है कितना mAh है, इसलिए एक पावर बैंक जो सोलर चार्जिंग के साथ आता है, उसका वीडियो वगैरह बनाया था पहले भी, इसका कमेंट वगैरह ले चुका हूँ, उनके ऊपर कमेंट है। तो दोस्तों 10000 mAh का टाइटल में भी लिखा, हर जगह लिखा हुआ है, लेकिन आप फुल वीडियो वॉच करेंगे तो हर वीडियो में बताता हूँ डिटेल कितने mAh का है, तो वहाँ से भी देख पाएंगे। तो कभी भी अगर कोई भी वीडियो देखते हैं तो आपको जरूरी है देखना, तो फुल वीडियो वॉच करें ताकि आपको डिटेल वगैरह 100% मिल पाए। का मतलब, अब अगला कमेंट की बात करूँ तो अगला कमेंट है गोरी मैसेबाजी का। इनका कमेंट है, ब्रो मैंने सुना है फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट महंगे होते हैं और अच्छे भी नहीं होते, उनके सर्विस वगैरह भी अच्छी नहीं होती। तो एक यहाँ पे दोस्तों इनका कमेंट है कि अमेजोन वेस्ट है या फ्लिपकार्ट। तो एक चीज़ बताओ दोस्तों, सर्विस के मामले में जाएंगे तो अमेजोन का कोई भी कंपैरिजन नहीं है। सर्विस जो अमेजोन देता है अपने डिलीवरी बॉय के साथ, अपने प्रोडक्ट के साथ, कस्टमर सपोर्ट वगैरह देता है, वो कोई भी नहीं देता। लेकिन फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट जो होते हैं कंपेयर करेंगे तो हमेशा अमेजोन से सस्ते मिलेंगे और भी ब्रांड से सस्ते मिलेंगे, वहाँ पर सबसे ज़्यादा सस्ते वगैरह प्रोडक्ट मिल जाते हैं। क्योंकि मैंने ज़्यादातर जो भी महंगे प्रोडक्ट वगैरह परचेज किया है फ्लिपकार्ट से परचेज किया है, क्योंकि वहाँ पर प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग वगैरह होती है काफ़ी कम वगैरह मिल जाती है। मैं क्या करूँ, फिर जॉब छोड़ दूँ? अब अगला कमेंट की बात करूँ तो अगला कमेंट भी है दोस्तों @JayKumar का कमेंट है। इनका कमेंट हेडफोन के ऊपर है, इनका कमेंट है ब्रो इसका एडजस्ट करने का जो ऑप्शन है बेसिकली मेटल का या प्लास्टिक का, जेबरोनी के वायरलेस हेडफोन पे इन्होंने कमेंट वगैरह किया। तो दोस्तों एक चीज़ बताऊँ, जेबरोनी के जितने भी फ़ोन आते हैं उस पर आपको ज़्यादातर जो बल्क में होता है बेसिकली मेजोरिटी होती है प्लास्टिक की वगैरह मिलती है, जो एडजस्टेबल वगैरह करने का होता है। एक हेडफोन आता है जिसमें आपको मेटल का मिलता है, साइज और ड्यूब का बेसिकली मिलता है उस पर, लेकिन ज़्यादातर जेबरोनी के जितने भी हेडफोन मैंने अनबॉक्सिंग वगैरह किए ज़्यादातर जेबरोनी के ही है, उन सब में आपको प्लास्टिक बिल्कुल ही मिलती है, जो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग होता है, टूटने का बहुत ज़्यादा चांस वगैरह होता है। तो ये आपको संभाल कर यूज करेंगे तभी यूज वगैरह कर पाएंगे, ये तो मैंने यूज़ किया है, एडजस्ट वगैरह करने वाला होता है बहुत जल्दी टूट जाता है, हेड वाला बहुत जल्दी टूट जाता है, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। उसमें जिस हेडफोन की बात करो उसमें प्लास्टिक है, सिल्वर दिया गया फिनिशिंग है, लेकिन है प्लास्टिक का। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुकता। अब अगला कमेंट की बात करूँ तो अगला कमेंट भी है दोस्तों @sector85 ब्लॉक का है। इनका कमेंट है सिस्का का TWS ईयरबड है, इसके ऊपर कमेंट किया है। इनका कमेंट है नॉट यूजफुल प्रोडक्ट, इसका कस्टमर केयर सर्विस कोई काम का नहीं है, इसलिए कस्टमर केयर सिस्का का जो TWS ईयरबड का उनके ऊपर कमेंट है। इनका दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने इनका TWS ईयरबड परचेज किया, काफ़ी सही चल रहा था, लेकिन उसकी बैटरी प्रॉब्लम आ गई थी, बैटरी सही नहीं चल रही थी,
लेकिन एक बार इन्होंने चेंज वगैरह करा दिया तो सर्विस सेंटर से चेंज वगैरह हो गया, जो भी चेंज वगैरह कराना था। लेकिन कुछ दिन बाद इनका फिर से प्रॉब्लम आ गया, तो कस्टमर केयर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे। मैंने इनसे कमेंट की, इनसे कमेंट करके बोला था कि आप मुझे ईमेल पर कॉन्टैक्ट कीजिए, इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट वगैरह कीजिए, अगर आप मुझे कॉन्टैक्ट करके सारी डिटेल वगैरह बताएंगे, फोटो इमेजेस वगैरह देंगे, तो 100% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम से मैं भी एक बार फेस कर चुका हूँ, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। तो अब मुझसे कॉन्टैक्ट करेंगे तो दोस्तों 100% कोशिश करूँगा आपकी जो भी प्रॉब्लम वगैरह है TWS ईयरबड के बारे में, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊंगा। अनदर वैसे इसका काफ़ी अच्छा ब्रांड है, मेड इन इंडियन ब्रांड है, तो काफ़ी मुझे नहीं लगता ऐसा हुआ है, तो चलो अलग बात है, लेकिन हुआ है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए, आपकी प्रॉब्लम जो भी है सॉल्व करने की कोशिश वगैरह करूँगा। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अब अगले और लास्ट कमेंट की बात करूँ तो अगला कमेंट भी @ALAFNATION का कमेंट वगैरह है। इनका कमेंट है, तुम काफ़ी हॉट हो। इनका कमेंट मुझे समझ में नहीं आ गया, ये कहना चाह रहे हो तुम काफ़ी हॉट हो, तो दोस्तों आपका शेयर करने के लिए थैंक यू। लेकिन एक बात बताऊँ, मैं हॉट नहीं हूँ, मैं काफ़ी कूल हूँ, मैं काफ़ी शांत इंसान हूँ, मैं काफ़ी शांत रहता हूँ। तो ये चीज़ें चलो आपने कमेंट वगैरह किया तो चलो ठीक है, लेकिन ऐसा मैं रियल लाइफ में हॉट वगैरह नहीं हूँ, रियल लाइफ में काफ़ी कूल हूँ और काफ़ी शांत वगैरह रहता हूँ। तो चले फिर दोस्तों आज के लिए इतना ही, तो उम्मीद करता हूँ रेडियो डिटेल वगैरह समझा पाए। अगर आपकी जैसे बताओ दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम वगैरह, सारे क्वेश्चन सेशन वगैरह जो भी आंसर वगैरह किया था आप लोगों ने, उन सबका जवाब दे दिया, लेकिन और भी कोई किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और प्लीज़ दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करके जाना अगर नहीं किया, क्योंकि दोस्तों 4:20 हो चुके हैं, क्योंकि 2-3 जनों ने कमेंट किया था, क्योंकि मैं क्वेश्चन सेशन का जो वीडियो होता है दिन में शूट वगैरह करता हूँ, तो उसमें नॉइस में बेसिकली नॉइस में काफ़ी आवाज़ें वगैरह आती है, बैकग्राउंड में काफ़ी आवाज़ें वगैरह आती है, तो काफ़ी लोगों ने कमेंट किया। तो मैं दोस्तों शूट वगैरह कर रहा हूँ, जो वीडियो हो रही है इसमें 4:00 हो रही है, इस टाइप पर रिकॉर्ड वगैरह कर रहा हूँ, तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो आपके लिए, आपकी तरफ से हमारे लिए बनता, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ फैला दीजिए, और ऐसे हमारे साथ बन रही है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। मैन ऑफ द मैच तो मुझे ही मिलेगा, क्या फ़ायदा सर, आप तो अवार्ड लेने जाते ही नहीं।